डियर फ्रेंड्स, आपके सामने आज जो वीडियो है वो है मैथ्स का। मैथ्स का बेसिक क्लास ये है, आप देख सकते हैं। चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप कोई भी क्लास में हो, कंपटीशन में हो, तो बहुत अच्छा है कि आप देख लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगा। आपका जहाँ कहीं भी आपका संख्या पद्धत पूछा जाता है, यानी अगर अभी आप करंट में भर्ती जो भी चल रही है, कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, या आपका SI SI चल रही है, या जो भी एग्जाम चल रहा है आपका कॉम्पिटिशन लेवल का, उन सभी के लिए, बाकी आप कोई भी क्लास में तब भी सभी के लिए ये आपका नंबर सिस्टम यानी आपका संख्या पद्धति है। तो इसमें से आप एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे संख्या के प्रकार, ठीक है? किसको बताएंगे? संख्या के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो संख्या के प्रकार में हम सबसे पहला जो लेंगे संख्या, पता होगा कि अगर हम देखते हैं संख्या, तो आपको पता होगा कि संख्या जो होती है, आप 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते नहीं है ना। तो जो भी संख्या बोलते हैं वो हमारी क्या होती है? प्राकृत संख्या। कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। दिमाग में बैठा लीजिए, क्या? प्राकृत संख्या, ठीक है? प्राकृत संख्या। अगर इसको हम इंग्लिश में देखते हैं तो कोई कोई इंग्लिश मतलब लैंग्वेज वाले होते हैं तो इंग्लिश में उनको जानना जरूरी है, इसलिए इसको हिंदी में आप समझ रहे हैं, तो इसको आप वो हिंदी में जा रहे हैं तो आप इसको इंग्लिश में जाने। नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर। ये हुआ नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब आप समझे जो प्राकृत से बनी हुई, जो सीधे सीधे की मतलब जो संख्या बनी है। तो आपको पता है कि संख्या कहां से बनी है? वन से बनी है। आपको वन से ही तो मिलती है ना, तो वन से जितनी भी संख्याएं मिलती हुई जाएंगी, यानी कि आपको पता है कि इनमें अगर हम देखें तो कौन सी हो जाएंगी संख्या? 1 2 3 4 5 डट 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 डट, इसी तरीके से लेकर के आपका जो भी ये संख्याएं हैं, मतलब ये जो भी है इत्यादि को हम यहाँ पर कुछ नहीं लगाते हैं, इसको हम इसे डट डट छोड़ देते हैं, ठीक है? मतलब ये जो भी है हमारी संख्या, ये सभी की संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं इसके बाद वो सारी संख्याएं क्या है? आपका प्राकृतिक संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी संख्या आती है प्राकृतिक संख्या, मतलब बोलते हैं कि जो आपको गिनती वाली संख्या होती है, सीधी बात बोला जाए जो गिनती वाली संख्या होती है, यहाँ पर अगर हम लिखें तो गिनती वाली संख्या। कौन सी संख्या? गिनती वाली संख्या। ये हो गई। उसके बाद दूसरी संख्या जो हमारी आती है, दूसरी संख्या हमारी आती है प्राकृत संख्या आ गई है, तो अगली संख्या हमारी कौन सी संख्या आएगी? प्रकृत संख्या। में अभी आपने एक थैले लिए, आपने एक थैला लिया, उसमें आपने 1 2 3 4 5 ऐसे संख्याओं को रख लिया, 1 2 3 4 5 जितने भी रख लिया, ये हमारी नेचुरल नंबर हो गई। नेचुरल नंबर में अगर आपने जीरो को भी ले लिया उस थैले में, अगर आपने जीरो को भी ऐड कर लिया, मतलब अभी तक जीरो नहीं था, जीरो को भी रख लो, अगर आप जीरो को भी रख लेते हो तो ये संख्या हो जाती है कौन सी संख्या? ये हो जाती है पूर्ण संख्या, क्योंकि आप जीरो को ले लिया संख्या पूरी हो गई। पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं क्या? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, ठीक है? कौन सी संख्या बोलते हैं? होल नंबर, ठीक है? यानी कि प्राकृतिक में जीरो मिलाने से प्राकृतिक संख्या में जीरो मिलाने पर बनी संख्या, बनी संख्या, ठीक? बात हो गई समझ में? मतलब आपने जब अभी यहां से कौन कौन संख्या लिया था, 1 लिया था 2 लिया था 3 लिया था 4 लिया था डट 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 ऐसे, तो आपने इसमें जीरो को भी ले लिया। किसको ले लिया? जीरो को भी आपने ले लिया, तो समझ लीजिए ये हो गई आपकी कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। बात एकदम समझ में आ रही है। पूर्ण संख्या के बाद अगर हम चलते हैं तो पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अब शब्दों से खुद ही पकड़ में आ रहा है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है? पूर्णांक संख्या मतलब बोलते हैं क्या? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर, ठीक है? पूर्णांक संख्या कौन सी होती है संख्या? जो आपकी प्राकृत संख्या में मतलब कुल मिलाकर अगर हम बोले
शून्य कामा धन कामा ऋण, धन कामा ऋण संख्या को मिलाने से बनी संख्या। ये मैं सीधे शब्दों में लिख रहा हूं क्योंकि आपको ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। मतलब आप बात समझ लीजिए, जैसे आपकी ये प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या कौन सी, जो गिनती वाली संख्या हो गई, उसमें आपने जीरो कैड कर लिया तो पूर्ण संख्या हो गई। अभी आपने प्राकृत संख्या और जीरो संख्या को मिलाया तो आपको पूर्ण संख्या तो मिल गई, प्राकृत संख्या और जीरो को भी इसमें ऐड कर लिया पूर्ण संख्या हो गई। और पूर्णांक संख्या में आप ऋणात्मक, मतलब इस जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में आप ऋण को भी ले लो। हमारे कहने में तो समझ गए ना, यानी आपकी जीरो थी धन थी, यानी कि यहाँ पर जीरो भी थी और धन थी। धन का मतलब कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या, यानी जीरो थी और प्राकृत संख्या थी, उसके साथ ऋण वाली भी संख्या को ले लें तो हमारा बन जाता है कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। यानी यहाँ पर आपने जीरो लिया, फिर वन लिया, फिर टू लिया, फिर थ्री लिया, डॉट डॉट इस तरीके से जा रहा था। इधर आपको क्या करना है, माइनस वन ले लीजिए, माइनस टू ले लीजिए, माइनस थ्री ले लीजिए, डॉट ऐसे ऐसे आपका जहां से स्टार्ट हुआ, नहीं मतलब ये वाली जो संख्या हो जाती है ना, यही तो आपका हो जाती है कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद आता है आपका तीन संख्या हो गई, तीन संख्या के बाद आपका आता है सम संख्या। कौन सी संख्या आती है, सम संख्या। तो सम संख्या की हम चर्चा करते हैं, सम संख्या। सम संख्या को पता है आपको, अगर नहीं सम संख्या पता होगा तो समझ लीजिए बेकार ही है। इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर क्या, किसको बोलते हैं, दो से जो कटे, वो कौन सी, दो से कटने वाली संख्या, दो से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है, वाली संख्या। ये हो गई सम संख्या। इसी तरीके से होती है विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या, मतलब विषम संख्या मतलब ओड सा नंबर। कौन सा नंबर, ओड नंबर, दो से ना कटने वाले, ना कटने वाली संख्या। दोनों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, दोनों साथ में ही चलेंगी। अगर आपका दो से कट रही है, दो से कटने का मतलब आप समझ सकते हैं कि दो से आपको कौन कौन से कटती है, एक आप जीरो कट सकता है, जीरो कटेगा, फिर दो का पार बार, दो दूना चार, दो तीन छह, डाट डाट दो चौक आठ, इसी तरीके से यह। और जो दो से नहीं कटेंगी वो आपको पता है कि आपका एक से स्टार्ट होंगी, एक होगा, उसके बाद आपका तीन होगा, उसके बाद आपका तीन के बाद पांच होगा, उसके बाद आपका सात होगा, डाट 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 इस तरीके से ये भी होगा, ठीक है। मतलब आपने जोड़ा वाली संख्या देगा, दो दो जिसका दो दो जोड़, मतलब दो दो के जोड़ा बन जाए, उसमें लोग दो से कट रहा, मतलब जैसे आपका 98 और 98 आपका जोड़ा बनेगा, तो इसका मतलब वो सब संख्या। और सीधी सीधी बात, आप दो से काटिए उसको, अगर आप दो से कट जाता है तो समझ लो कि वो सम संख्या है, ठीक है। चलिए विषम संख्या के बाद हम आते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि भी कम ज्यादा हो जाएगा तो बनेगा नहीं। यहां से हम फिर से सिक्स नंबर डालते हैं, सिक्स नंबर हमारा सम संख्या के बाद आपका भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। कौन सा नंबर, फैक्टोरियल नंबर, फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल नंबर किसको बोलते हैं, फैक्टोरियल नंबर मतलब कहने का मतलब ऐसी आपकी संख्या होती है, ऐसी आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, भा संख्या, जो एक से तो कटेगी, एक से तो कटना ही है, उसके साथ साथ स्वयं से भी कटे, उसके साथ साथ कोई अतिरिक्त संख्या से भी आपका कट जाए। सबसे पहले नंबर किससे कटे, एक से एक से स्वयं से अन्य से, किसी अन्य से, किसी अन्य से,
संख्या, ठीक है, बात समझ में। जैसे मान लीजिए भाज्य संख्या में अगर हम चर्चा करें, यहां पर आपका मान लीजिए आ गया 4, ठीक, बात समझ में। 4 1 से कटेगा, 1 चौके 4 कट गया, फिर बोला जा रहा है स्वयं से, मतलब 4 4 से कटेगा, ठीक है कट गया। 4 और किसी से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। तो यही होता है आपका भाज्य संख्या। इसके बाद आ जाता है आपका अभाज्य संख्या, सभी एक दूसरे के बस आपका कंप्लीमेंट है और कुछ नहीं। इसमें हम लिख दें कुछ डिजिट, जैसे 4 हो गया, 18 हो गया, 50 हो गया, डट 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 डट, इसी तरीके से। यहाँ पर अगला हमारा आ जाता है 7 नंबर, कौन सा 7 नंबर हमारा भाज्य के बाद आ जाता है अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम कौन सी मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं प्राइम नंबर, कौन सा बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर समझ रहे हैं कि 1 से तो कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से कटने के साथ साथ इसमें क्या होता है, यहाँ पर लिख दें यही इसका रिवर्स है, इसका भाज्य कर रिवर्स होता है, भाज्य कर उल्टा। देखिए पहला नंबर तो 1 से कटेगा, स्वयं से किसी अन्य से ना कटने वाली, उसमें कटने वाली थी, इसमें ना कटने वाली संख्या, ये हो गया आपका। जैसे मान लीजिए मैं इधर आपका लिख दूं 2 3 5 7, डट 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 डट, इसी तरीके से। और एक बात इसमें समझ लेना है, 2 जो होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, जिसके साथ साथ वो एक सम संख्या भी होती है। 2 जो है एक अभाज्य संख्या होते हुए भी वो सम संख्या भी है, कौन सी संख्या है, सम संख्या भी है। 8 नंबर, अभाज्य संख्या के बाद आप लीजिए परिमेय संख्या, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। सभी संख्याओं को आज पढ़ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, कौन सा, रैशनल नंबर। कौन सा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, भिन्न के रूप वाली संख्या, भिन्न के रूप में होने वाली संख्या हर शून्य ना हो, हर शून्य ना हो, मतलब नीचे आपका शून्य ना हो, कहने का मतलब पी बटा क्यू हो, पी बटा क्यू हो, और क्यू जो हो नॉट इक्वल 0, क्यू 0 ना हो, मतलब एक ऐसा भिन्न हो, एक ऐसा भिन्न हो जिसमें आपका जो भार होता है वो 0 ना हो, ये बात होती है। बस यही आपका हो जाता है परिमेय संख्या। इसके बाद हमारा आ जाता है अपरिमेय संख्या, कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब हो जाता है आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब यहां पर मैं 10 और 9 के दोनों को एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, पहले इसको ले। इसमें जो है भिन्न के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो मतलब तो अपरिमेय संख्या जो हो वो आपका पी बटा क्यू के रूप में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, ठीक है। और जो है
बाकी सब कुछ हो इसमें, जो आपका मतलब जहां पर आपका पी या यहाँ पर पी या क्यू, पी हो या तो क्यू हो, ये क्या हो, पूर्णांक, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक, कुछ इस तरीके की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं, आठ वाला एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आठ वाला का एग्जाम्पल का, जैसे मान लीजिए 3/4 हो गया, 2 सही, 5/3 हो गया, 9 हो गया, 0.5 हो गया, कुछ इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, और अपरिमेय के, अपरिमेय के एग्जाम्पल आपको इस तरीके से हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए √5, ए अंडर रूट वाली चीजें होती है जिसका वर्गमूल नहीं है, अंडर रूट 15 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका कोई अल्फा हो गया, कोई बीटा हो गया, कोई पाई हो गया, इस तरीके से जो वैल्यूज होंगी ये आपका हो जाएगा इसमें। तो बात समझ में आई, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से संख्या, मतलब परिमेय, परिमेय वाली संख्या। अभी सभी लेक्चर दे देते हैं, बस थोड़ा सा डेट करना, धैर्य रखना, आपका काम हो जाएगा। कौन संख्या, अब अगला 11, वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब हो गया कौन सा, रियल नंबर, ठीक है, कौन सी संख्या, रियल नंबर। तो यहाँ पर जो हो गया आपकी परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला दिया जाए, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाने से बनी संख्या, दोनों को मिलाने से बनी संख्या ये हो जाती है। जैसे यहाँ पर आपका एक है, ये आपकी परिमेय हो गई, लेकिन एक यहाँ तक हम नोट कर रहे थे, तो उसके बाद वीडियो क्या होगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, उसके बाद हम यहाँ पर ये सारी चीजें लिख दी हैं। इसको एक बार हम रिवीजन करते हैं, आपके समझ में एकदम आराम से आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं हमारा कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं। संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं, परंतु हम यहाँ पर 11 प्रकार की संख्याओं को पढ़ रहे हैं। तो 11 प्रकार की संख्या जो कि इंपॉर्टेंट है, एकदम आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या जो भी, मतलब एक से स्टार्ट करें, जितने भी संख्याएं ले रहे हैं, ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, मतलब प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या में अगर आप 0 को भी ऐड कर लेते हैं, जब आपने प्राकृत संख्या ली है और उसमें 0 को भी ली, एक संख्या 0 बची थी उसको भी रख लो, अब वो संख्या का जो ग्रुप हो जाएगा वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, एक आप लिखे हैं, एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, परंतु आप 0 भी ले ले रहे हैं तो अब आपका ये पूर्ण संख्या होगी। अब बोलेंगे सर पूर्ण संख्या क्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, पूर्ण संख्या होगी एक, 0 भी ले ले रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। अगर आप लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, एक थैले में कुछ संख्याएं ली है और उसमें 0 नहीं है तो वो प्राकृतिक संख्या होगी, बट अगर उसमें आप 0 भी ऐड कर दीजिए जो थैले में, तो पूरी पूरी संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई, आप समझ में आई, अगर जब तक 0 नहीं था तब तक वो प्राकृतिक संख्या, अगर आपने उसमें 0 भी रख लिया तो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। आपने 0 भी लिया, प्राकृतिक संख्या भी ली, उसके साथ साथ जो आपने प्राकृतिक संख्या ली है उसके वही संख्या को आप ऋण चिन्ह में ले लीजिए, मतलब ऋणात्मक में भी ले लीजिए, तो पूरा का पूरा जो ग्रुप होगा, आपने प्राकृतिक संख्या रखी थी, 0 को भी उस थैले में रखा था तो पूर्ण संख्या बनी थी। अब कुछ ऐसी संख्या लीजिए जो ऋण वाली संख्या हो, उसको भी उस थैले में रख लो, तो पूरा का पूरा कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। पूर्णांक संख्या के बाद हम पहुंचते हैं हमारा
सम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्या होती है? वो संख्या जो दो से कट जाए, मतलब दो से उसको अगर हम विभाजित करें, उसका भाग करें, तो शेषफल जीरो आ जाएगा। दो से काटेंगे तो हमारा कुछ नहीं बचेगा, हमारी सम संख्या हो जाती है। अगर वो दो से नहीं कटती है, इसका मतलब वो विषम संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? विषम संख्या। जैसे 2 8 16, मतलब 16 कट रहा है। अगर 2 8 16 17 है, 17 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये विषम संख्या हो जा रही है। तो सम विषम हो गई। सम विषम के बाद भाज्य और अभाज्य होता है। भाज्य ऐसी संख्या होती है जो एक से तो कटेगी, एक से कटे अपने आप से कटे, और किसी और से भी कटे, एक से भी कटे अपने आप से भी कटे, एक से भी कटे अपने आप से भी कटे, किसी और से भी कटे, तो भाज्य संख्या हो जाती है। कटने का मतलब उसका पहाड़ चला जाए, किसी का भी चला। जैसे आपने 15 लिया है, 15 में किसी न किसी का तो पहाड़ जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसका मतलब वो कट जाए। एक से कटेगा 3 5 15, तब भी कट, एक से कटेगा, एक से उतनी बार कटेगा जितनी बार संख्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे, एक से भी कटे, परंतु वो किसी और दूसरी संख्या से न कटे, एक से कटे और अपने आप से ही कटे, किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद आ जाता है परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो उसको हम भिन्न के रूप में लिखे, सीधे सीधी बात, जिसको हम भिन्न के रूप में लिखे। अगर उसको हम भिन्न के रूप में लिख ले रहे हैं और उसका जो बटा होता है, जो हर में होता है, जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में रखते हैं, तो जो क्यू का वैल्यू हो वो जीरो ना हो। यदि अगर उसका मान जीरो नहीं होता, तो इसका मतलब वो क्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। यानी आप यहाँ पर देखिए, ये 6 लिखे हैं, ये कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या दिख रही है। अब बोलेंगे सर परिमेय कैसे? आपने बोला था भिन्न, तो भिन्न इसको हम बना लेते हैं ना, बटा एक मान लीजिए, अब भिन्न हो गया ना, इसका मतलब ये परिमेय संख्या थी। लेकिन यहीं पर अगर ये बटा में होता, यहाँ पर कुछ दूसरा संख्या होता, तो आपका अपरिमेय संख्या में क्या बोला जाता? पर कि पी के रूप में ना हो, ये पी बटा क्यू के रूप में ना हो। आपका ऐसे रख लिया जाए, यहाँ पर अंडर रूट 4 है, इसका निकल जाएगा, लेकिन अंडर रूट आपका यहाँ पर 5 आ जाए, ये नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब अंडर रूट वाली संख्या जो जिसका वर्गमूल ना निकले, दशमलव वाली संख्या जिसका दशमलव पूरी तरीके से ना खत्म हो, यानी बार लगा हो, कुछ ऐसी चीजें जो भी होते हैं संख्याएं, वो हमारी हो जाती है अपरिमेय संख्या। अब आ जाती है परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर रख दें, दोनों को अगर हम रख दें, तो हो जाती है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हो जाती है जिसमें हम दोनों को संख्या ले, परिमेय और अपरिमेय दोनों, ये परिमेय अपरिमेय संख्या दोनों एग्जाम्पल ले लेंगे, तो ये हो जाता है आपका वास्तविक संख्या। मैंने एक बार रिविजन किया, पूरा वीडियो बना दिया गया, देखा तो टीवी में आपका वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट तरीके से बनाया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना। इतनी प्रकार की संख्याएं थी जो कि आपके सामने यहाँ पर हमने प्रेजेंट किया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का उस नाम है, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, अभी सर्च करिए, तुरंत मिल जाएगा। चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, जैसे आप सबका इस पर सपोर्ट है, उस पर भी सपोर्ट कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, चाहे जो भी बच्चे हों वो आराम से सारी चीज़ें वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं मेरे ग्रुप से। ओके, जय हिंद।